अंबेडकर बोल रही हूँ। आसनसोल ट्रेन से मैं चढ़ी हूँ। अरे पुलिस वाला जिसका नाम MD हुसैन है, अब वो मेरे साथ रेप करने की कोशिश किया है, जिसका विरोध मैं की, तो मेरे साथ मारपीट किया गया। देखिए मारपीट के दौरान यहाँ से मेरा ब्लड निकाला गया। और मैं आप लोग किरने समाज को अनुरोध करती हूँ, यही वो पुलिस वाला है, देख लो भैया देख लो, यही वो पुलिस वाला है, देख लो भैया यही है पुलिस वाला जिसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। ये रेप करने का कोशिश किया है। वीडियो में जो आपको नजर आ रही हैं, इनका नाम अश्विनी अंबेडकर है, गिरिडीह की रहने वाली हैं, किन्नर हैं। इनका आरोप है कि आसनसोल से लौटते हुए दो पुलिस वालों ने इनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, इनका रेप करना चाहा, गालियां दी और मारपीट की। अश्विनी कह रही हैं कि इनके पास टिकट नहीं था, वे फाइन देने को तैयार भी थी, लेकिन पुलिस वालों ने TC को बुलाने के बजाय अश्विनी को बाथरूम चलने को कहा। जब इन्होंने विरोध किया तो इनके साथ मारपीट की गई। द फॉलोअप से बात करते हुए अश्विनी ने कहा कि चिल्लाने पर पुलिस वालों ने अश्विनी के मुंह में कपड़ा ठूंसा और फिर मारपीट की। वीडियो में वे अपने चोट के निशान और नाक से बहता खून दिखाती नजर आ रही हैं। मैं अश्विनी अंबेडकर जिला गिरिडीह स्टेट झारखंड से बोल रही हूँ। आसनसोल से ट्रेन पकड़ी थी मधुपुर जाने के लिए, जिस दौरान दो पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उन्होंने टिकट मांगा, मेरे पास टिकट नहीं था, मैं बोली कि आप TC को बुलाइए, मैं फ़ाइन दे दूंगी, बट उसने TC को बुलाया नहीं। उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअलिटी बात की, बाथरूम ले जाने की कोशिश की, जबरदस्ती सेक्स रेप करने की कोशिश की। जब मैं उसका विरोध की तो उन्होंने मेरे नाक पर वार किया, मेरे फेस पर देखिए वार किया, उन्होंने मेरे नाक से अभी भी ब्लडिंग आ रही है। और उल्टा जब मैं न्याय के लिए थाने आई तो थाने में उल्टा मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने पुलिस वालों पे हाथ उठाया। तो मैं एक लेडीज़ किन्नर महिला हूँ और दो जेंट्स पुलिस ऑफिसर पे अगर मैं हाथ उठाऊँ तो जेंट्स का ब्लडिंग आना चाहिए या एक लेडीज़ किन्नर का ब्लडिंग आना चाहिए, ये आप लोग न्याय दीजिए। अभी मैं जामताड़ा रेलवे पुलिस स्टेशन में बैठी हुई हूँ और यहाँ का प्रशासन मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई साथ नहीं दे रही है, ठीक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, मैं सारे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे अधिकारी जितने भी हमारे सदस्य, मैं अपने इंसाफ मांग रही हूँ कि मुझे इंसाफ दे। मेरे जो ब्लडिंग आ रहे हैं आज आपके सामने, एक सामाजिक किन्नर महिला सुरक्षित नहीं है तो आपके घर की बहू बेटी का भी सुरक्षित नहीं है। अश्विनी की बातों की सत्यता की जांच के लिए द फॉलोअप की टीम ने जामताड़ा रेलवे स्टेशन के थाना प्रभारी शमीम से बातचीत की। शमीम हमें दोनों RPF जवानों का पक्ष बता रहे थे। उन्होंने कहा कि टिकट न होने की वजह से जब RPF के जवानों ने उनसे फाइन देने की बात कही तो किन्नर महिला ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की। आसनसोल से खुली रहने से रूटीन चेकिंग हमारा स्टाफ का ड्यूटी है सर, टीम देखता है, चौंकता है, बोलता है, तो वैसे ही कुछ किया होगा सर। अब हम तो नहीं थे ट्रेन में, स्कॉट के साथ ये मामला हुआ। अच्छा, तो सर वो लोग अपने तरफ से इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया, तो उसी में सर वो लोग जैसा बोला स्टाफ लोग कि ये लोग जो है मतलब अपने आप को इंजरी कर ली और उसके बाद उसके उन लोगों को बहुत सारा जानते ही है सर। अब हम उनके सामने कुछ बोलने से अभी फिर कोई बात नहीं। तो आप सर FIR लॉन्च हुआ है क्या ये लोग, क्योंकि ये तो FIR करवाना चाह रही है ये? नहीं सर, हम इनको अभी यही चीज बोला है कि हमारा स्टाफ जो स्पॉट पार्टी का सर, उनका यही बोला है कि इन्होंने कार में बाधा किया, जो ड्यूटी है स्टाफ का वो ड्यूटी को ऑब्स्ट्रक्ट किया, उनको उनके साथ न्यूसेंस हुआ और उसके बाद इनके पास ऑथोराइज लीगल भी अथॉरिटी भी नहीं था सर। तो उसके मुताबिक रेलवे एक्ट के तहत सर हम लोग यहाँ चालान करें और इनको यहीं पर बेल दे देंगे और बाद में अपना वहाँ कोर्ट में जाके फाइन भी होता है सर, वहाँ देखिए अपना अब रिलीज हो जाएंगे। जो टिकट नहीं था इस वजह से जो आप कह रहे हैं ना? हाँ हाँ सर, और इसमें जो है स्टाफ का जो ड्यूटी होता है ना सर, उसमें ड्यूटी का बाधा भी हुआ, उन लोग अपना ड्यूटी के दौरान इनसे बातें में न्यूसेंस भी ये लोग किया उनके साथ में, जो वो लोग दिया कम्प्लेन सर हमारा कंट्रोल को। हम लोग तो यहाँ स्टेशन पे है, उसमें नहीं थे उस समय, तो इसलिए सर थोड़ा इनको हम समझाए कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, उस स्टाफ लोग का तो ये ड्यूटी में आता है सर, ड्यूटी में कोई कुछ मान लीजिए नहीं टोकेगा नहीं, नहीं इनका जो आरोप है सेक्सुअली हैरास करने का प्रयास किया नहीं, जा रहा नहीं था। सर ऐसा कुछ नहीं, सर प्लीज सर समझिए बात ये एकदम, मैं तो अपने अपना हर आदमी को जानता हूँ ना सर, इतना हिम्मत किसी का नहीं, अच्छा कभी मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता इतना भीड़ में भी, इतना ट्रेन में, इतना कोविड काल में सर कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है तो मानने का बात नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आपका शमीम हुआ ना सर? हाँ हाँ ठीक है ओके। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि RPF के जवान ट्रेन में टिकट क्यों मांगेंगे, ये उनका काम है ही नहीं।
अश्विनी अपने ऊपर हुए हमले को लेकर पुलिस के पास FIR दर्ज करवाने को लेकर गई थी, लेकिन उनका FIR दर्ज नहीं किया गया। अश्विनी अम्बेडकर पर हमला या सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात झूठ है या सच यह कह नहीं सकते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि समाज में किन्नरों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। वे आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। ऐसे में RPF के जवानों द्वारा इस प्रकार का बर्ताव निश्चित रूप से चिंताजनक है, और अगर यह सही है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्लीज एक सारे किन्नर सारे समाज से सारे अधिकारों से मैं इंसाफ मांगती हूँ। जिस तरह से ये मेरा ब्लडिंग आ रहा है, उस कांस्टेबल का नाम MD हुसैन है और वो ट्रेन में मेरे साथ मारपीट किया जब मैं उसे सेक्स करने के लिए नहीं दी तब। क्यों आज की किन्नर अगर कहीं ट्रैवल कर रही तो उसे सेक्स करके अपनी किराया चुकता करना पड़ता है, जबकि मैं सारे मेरे साथ ज़बरदस्ती, मैं अकेली थी उस टाइम, उस समय उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे इंसाफ दो। TheFollowUp.in Like, Share and Subscribe www.thefollowup.in